जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तब से भीड़ माफ करते हैं, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हम लोग उस बात का नहीं करें। अरे धन है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, तन तन में है ना, जहां नियत साफ है वही भगवान है। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगुआ ले आए। भगुआ कितना आपके बाप दादा पढ़ता था उससे जाके पूछो कि मोदी जी लाए हैं तब से चल। इन लोगों का है क्या भगवा? विजयवंता जी बोलते हैं भगवा झंडा क्यों? हमारा हरा भी है, नीला भी है, उजला भी है, काला भी है, हमारा भगवा भी है। कौन है भाई, कौन है भाजपा? इनका देन है क्या? हमारे तिरंगा में है भगवा, हरा है। लेकिन हरा दे के घूमेंगे तो लोग बोलेगा देखो नफरत पैदा किया जा रहा है ताकि आप लोग लड़ते रहिए और ये लोग इसी हिसाब से देश को लूटते रहे। तो इन सब चीजों से बचिए। और मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। मोदी जी जो है हर जगह केवल भाषण न देते हैं, अरे भाषण के अलावा कुछ किए हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते? राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे? यही ना चाहते भाई? तो सुखी संपन्न खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है, बात समझना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर जब भारी मार्केटिंग किया जाता है, बताओ ये मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को लाखों में एक दिन में रोजगार दिया जा रहा है, मीडिया के लोग चुप। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, जब मीडिया वाला आएगा तो तीन चीज के अलावा कुछ पूछता ही नहीं। एक वो पूछेगा हिंदू मुसलमान के बारे में, एक वो पूछेगा मंदिर मस्जिद के बारे में, एक वो सवाल करेगा ईडी का छापा के बारे में, और कुछ नहीं लेना देना। अरे भैया जाइए,